प्रदेश के ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो एन भारत पर आ रही है वो ये है कि झोपड़ी में दो मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई है। ये सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये ललितपुर से आ रही है, जहां पर झोपड़ी में आग लगने के बाद मां ने दो बच्चों संग भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान दो मासूम बच्चे आग की चपेट में आने के बाद मौत की आगोश में चले गए। तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, ये वही झोपड़ी की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये आग लगी और इस आग की चपेट में आकर दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और जो पहली सूचना मिली है वो ये है कि रात के वक्त ये परिवार खेत की रखवाली करने के लिए झोपड़े में सो रहा था, उसी दौरान रात में अचानक झोपड़ी में आग लग गई जिसमें जलकर दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हालांकि माँ ने दो बच्चों संग इस झोपड़ी से भागकर अपनी जान बचा ली। तो ये बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं एन भारत पर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जहां पर एक झोपड़ी में आग लगने के बाद दो मासूमों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो ये दिल दहला देने वाली खबर जो बताती है कि हमें आज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब जनता बोलेगी भी और पोल भी खोलेगी, क्योंकि ये शंखनाद का समय है। देखते रहिए एन भारत के साथ, जनता बोलेगी पोल खोलेगी।